हम दो टाइप एनर्जी पढ़ेंगे, एक होते काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होते पोटेंशियल एनर्जी। एक तो होते काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होते पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को एक्सप्लेन करेंगे आज हम लोग। एनर्जी आप लोग पढ़े हो, एनर्जी कोई भी काम करने के लिए हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे क्या व्हीकल्स वगैरह में क्या होता है, पेट्रोल डीजल डाला जाता है क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको मूव होने के लिए। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो जनरेटर, नाम सुने हो ना आपको जनरेटर, नाम सुने हो ना जनरेटर, डायनामो। यस सर। उसमें क्या होते हैं, कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होता है, मशीनरी में मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जैसे बोल रहा हूँ जो कॉलिंग मिल होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है बताओ भाई, कॉलिंग मिल में कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें होता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो हम लोग एक करके पहले एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी विच इज ऑब्टेन ड्यू टू मोशन, कोई ऑब्जेक्ट का मोशन के वजह से जो एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। रिपीट, द एनर्जी विच इज ऑब्टेन ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का मोशन के वजह से जो एनर्जी हम लोग को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, समझ लो काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है, वर्क डन कन्वर्टेड टू एनर्जी, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पहले वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, W इक्वल्स टू क्या पढ़े हो आप लोग, वर्क डन W इक्वल्स टू बताओ क्या पढ़े हो पिछले क्लास में पढ़े थे, वर्क डन W इक्वल्स टू क्या था बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू डिस्प्लेसमेंट को S से जोड़ कर रहा हूं। ठीक है, F इनटू S, डिस्प्लेसमेंट को किससे मैं जोड़ कर रहा हूं, S से, ये फोर्स है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा समझना, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़े हो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था बताओ, एम इक्वल्स टू क्या था, एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एफ इंटू सॉरी एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन बताया गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी के लॉ ऑफ मोशन था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, v square minus u square equals to 2as, और ऐसे लिख सकते हो v square equals to u square plus 2as। ठीक है, यहाँ के s से निकाल दो, s का वैल्यू को निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ s का वैल्यू क्या होगा, s equals to होगा v square minus u square by 2a। यहाँ तक समझ में आएगा सबको? Yes sir। Yes, okay। आप देखो इसको put करूँगा, क्या था work done w equals to क्या था, f into s था, एफ का वैल्यू पुट करो, एफ इक्वल्स क्या था, एम इनटू ए, एम इनटू ए, और एस का वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ए ए काट गया, एम वी स्क्वायर, अच्छा यहां पे क्या आ रहा है, w इक्वल्स टू एम by 2 v square minus u square, m by 2 v square minus u square। उसके बाद देखो यहां तक समझ में आ गया सबको? यस
ए को काट दिया हूं तो क्या हो गया एम बाई टू डिस्टर्बेंस क्यू स्क्वायर। यहाँ तक सबको आ गया समझ में? यस सर। yes, अब देखो यहाँ पे मतलब वर्क डन इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क डन इसमें कन्वर्ट कर रहे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के ई भी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूं कैसे कैसे नोट किया है। काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख सकते हैं। सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। E K भी लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं K ही लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा अभी m by 2 v square minus c square। देखो वर्क डन को किस में लिखते हैं अभी काइनेटिक एनर्जी में लिखते ठीक है। अब बोले जब मैं क्या बोला मोशन की वजह से क्या मिलते हैं काइनेटिक एनर्जी मिलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या होता है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टार्ट होते इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट From rest, rest के start होगा तो u कितना होगा जल्दी बताओ। Initial velocity कितना होगा rest से start होता है तो object क्या होगा initial velocity? No. Zero. तो क्या होगा kinetic energy formula? Kinetic energy equal to हो गया इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ half लिख रहा हूँ ठीक है ये zero हो गया तो क्या बच गया m v square हो गया derivation kinetic energy का। काइनेटिक एनर्जी बेस्ट क्या होगा क्या हाफ एम बी स्क्वायर। आया सबको समझ में? देख लो अच्छे से। यस सर। यस सर। काइनेटिक एनर्जी का हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या किए थे वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करते थे वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट करते थे तो इसलिए दोनों का यूनिट क्या होगा बताओ क्या होना चाहिए दोनों का यूनिट वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों का एनर्जी का यूनिट क्या होगा दोनों का बोलो क्या होना चाहिए एनर्जी दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि वर्क डन को हम लोग क्या कर दिया हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था तो दोनों का यूनिट क्या होगा सेम ठीक है। अब आते पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसके अंदर जितने एनर्जी स्टोर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग को सिलेबस में बस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है ग्रेविटी अपनी तरफ फोर्स दे रहा है नीचे तरफ कितना फोर्स दे रहा है बताओ फोर्स इक्वल टू क्या होता है पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे था मास जिसका एम है उसको के मैं क्या किया हूँ एच हाइट में ले गया हूँ तो इसके लिए कितना वर्क डन किया अच्छे समझना इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स दे रहा है ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम इक्वल टू क्या होता है एम इनटू बोलो यहाँ पे देखो अच्छे से फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम इनटू ए होता है पता ही नहीं बट मैं बोला था जब ग्रेविटी फोर्स देते हैं ग्रेविटी का ए को क्या बोलते हैं बताओ यस वेरी गुड जी बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ओके। अब यहाँ पे देखो अच्छे समझना तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया एफ के लिए हमें लिखा हूँ एम जी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है देख के बताओ उसको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ गया कितना हाइट गया एच है यस वेरी गुड एच एच हाइट गया देखो एम नहीं है एच हाइट गया है ना कितना डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक एच इसी को क्या बोलते हैं वर्क डन को क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया ग्रेविटेशन
क्या हो गया एनर्जी आई, यहाँ पे दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन एम जी एच। ओके अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो अच्छे समझना इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सर होता क्या है, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इसका मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है अच्छे समझ यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ठीक है उससे यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट, यहाँ का इनका हाइट कितना है एच हाइट में था, अच्छे समझना एच हाइट में था कोई ऑब्जेक्ट ठीक है उसको यहाँ से यहाँ पे आया, मान लो इस पोजीशन को मैं ए ले रहा हूँ, अगर हम लोग बीच में भी कहीं पे नापू हो तो यहाँ पे एक बार नाप रहा हूँ ठीक है, इस साइड में यहाँ से यहाँ तक एक साइड सॉरी एक डिस्टेंस में आया जब तक नाप रहा हूँ उसको भी ले रहा हूँ ठीक है, आफ्टर सी अच्छे समझना है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ए से सी आया है कि कोई ऑब्जेक्ट मैं बीच में भी कोई एक पोजिशन मान के चलो बी ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ए पोजीशन बी पोजीशन सी पोजीशन तीनों पोजीशन में क्या करेंगे टोटल एनर्जी को निकालेंगे, टोटल एनर्जी को क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैं लिख देता हूं टोटल एनर्जी को क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तीनों पॉइंट में अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा तो देखूंगा तीनों सेम आएगा, क्या है सेम आएगा तीनों पॉइंट में अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा एनर्जी सेम आएगा, अच्छा ध्यान से देख लो पहले समझ लो क्या बोलने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्या ऑब्जेक्ट ए में था ठीक है, ऑब्जेक्ट ए में था ए से सी में आया ठीक है, हम लोग क्या क्या हूँ एक्स डिस्टेंस के बाद यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान के चलो बी पोजीशन ठीक है, उस पोजीशन को ले लिया हूँ बी पोजीशन, कितना दूरी आ गया यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस आ गया ठीक है, एक्स डिस्टेंस में कितना बी पोजीशन में आया है फिर सी आया ठीक है, तो हम लोग ए बी सी तीनों पॉइंट में टोटल एनर्जी को निकालेंगे ठीक है, और हाइट हमेशा काम नीचे से नापते ना, हाइट हमेशा नीचे से नापते हैं अच्छे समय ना, पहले एट ए पॉइंट पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पहले काइनेटिक एनर्जी होता हूँ लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना हाफ एम वी स्क्वायर, ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा है ठीक है अच्छे समय ना, ऐसा है ऑब्जेक्ट इसको मैं गिरा रहा हूँ नीचे ठीक है, ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सोच समझ के बोलना, पहले ए पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बन दिया इसको वेलोसिटी कितना होगा जीरो, वेरी गुड जीरो होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ छोड़ना तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एट पॉइंट ए वी इक्वल्स टू जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ जीरो, ये सब लो यहाँ का समझ में आ गया, अब उस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक का हाइट एम एच, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी एच, ओके यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अब इस पॉइंट में टोटल एनर्जी देखो टोटल एनर्जी क्या था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया जीरो प्लस एम जी एच इक्वल टू एम जी एच, यहाँ तक सबको आ गया समझ में ए पॉइंट का सबको समझ में आ गया ना, अब देखो क्या कर रहा हूँ बी पॉइंट में जा रहा हूँ ठीक है, एट पॉइंट बी मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ए पॉइंट में कितना आया था हम लोग को टोटल काइनेटिक एनर्जी आया था एम जी ए ठीक है, अब पॉइंट बी में देखते हैं बी पॉइंट में अच्छे ध्यान से देखो बी पॉइंट में जीरो नहीं है लेकिन ना दोनों में एनर्जी है ठीक है, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर ओके, लेकिन मेरे को वी का वैल्यू नहीं है कहीं पर, देखो वी को कैसे निकाल रहा हूँ समझना वी का वैल्यू नहीं है कहीं पर,
तो हम लोग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सॉरी सेकेंड थर्ड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बोलो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू एक्स ओके क्यों तो जीरो पता है हम लोग को इनिशियल वैल्यू तो जीरो होता है क्यों कितना है जीरो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया टू ए एस यहाँ पे एक आएगा मैं कितना लिखूंगा बताओ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या लिखेंगे बताओ जी लिखते हैं यहाँ इसे जी लिखना स्टार्ट कर देते टू जी अब बताओ ऑब्जेक्ट जब बी तक आया है कितना डिस्टेंस कवर किया तो इस सवाल को एक्स वेरी गुड एक्स डिस्टेंस कवर किया तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया टू जी एक्स यहाँ पे सबको आ गया समझ में ये सब लोग अब इसमें कुछ कर रहे हो काइंडिकल की तरफ क्या हो गया हाफ एम इनटू वी स्क्वायर के हम कितना हो गया टू जी एक्स टू टू कट गया कितना हो गया एम जी एक्स ओके काइंडिकल हो गया अब पोटेंशियल एनर्जी का हो गया Motion.
b square equals to u square plus 2a, sorry, any g, 2gs, u to 0 होता है, तो b square equals to 2g, यहाँ पे distance कितना कवर किया, अच्छे समझना, object distance कितना कवर किया, यहाँ से आ रहा था, distance कितना कवर किया, बताओ, कितना distance कवर किया, c, आपने देख कितना distance कवर किया, देख के बताओ ध्यान से कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा है ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया बोलो यस वेरी गुड एज देखो तो क्या हो गया 2g एज हो गया ठीक है फिर स्क्वायर करो क्योंकि एज डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक आया तो एज डिस्टेंस को कवर किया यहां से यहां तक आया तो एज डिस्टेंस कवर किया था ठीक है तो यहां पे फिर स्क्वायर करो पुट कर दो तो गाइड गाइड दोस्त क्या होगा हाफ m मिस्टर कालू 2gh 2 2 का क्या तो mgh ओके काइनेटिक एनर्जी कितना हो mgh तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है कितना था काइनेटिक एनर्जी mgh पोटेंशियल एनर्जी 0 कितना हो गया mgh तो सी पॉइंट में कितना हो गया टोटल एनर्जी एम जी एच तो फॉलो हुआ लॉ देखो तीनों पॉइंट में क्या होते टोटल एनर्जी क्या होते कंजर्व हो रहा है फिक्स है बट ठीक आया समझ में सबको बहुत इंपॉर्टेंट है आता है हमेशा सबको आया समझ में तीनों पॉइंट में देखो टोटल एनर्जी क्या हो रहा है फिक्स हो रहा है सेम हो रहा है ओके डेरिवेशन को इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना हो तो आसान है कॉपी में सब लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आप लोगों को पावर ताकत कितना है एनर्जी से पावर आ गया पावर इक्वल्स क्या होते हैं वर्क डन पर रेट ऑफ वर्क डन इसको पावर क्या कितना टाइम लगा रहा है उस काम को करने के लिए ठीक है उसको पावर बोलेंगे मतलब रेट ऑफ वर्क डन रेट ऑफ वर्क डन आई मीन क्या होगा इसका वर्क डन बाय रेट मतलब टाइम रेस्पेक्ट टू टाइम होते हैं वर्क डन बाय टाइम ठीक है वर्क का यूनिट क्या होता है ऐसा ही मैं निकलने जाऊंगा ऐसा ही नहीं वर्क का यूनिट ऐसा ही नहीं टाइम का सेकेंड जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वाट बोलते हैं पावर का यूनिट वाट होता है जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं तुम लोग ये पढ़े हो दुकान में जाकर बल्ब लेने जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं ना 60 वाट का 100 वाट का बोलते हैं ना देखो वाट बोलते हैं मतलब वो पावर है बल्ब का तो वाट किसको बोलते हैं जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं सीआर यूनिट एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट आया सबको समझ में